Okay guys, now we've got questions 14 to 18 and first of all we will read the passage, the title of the passage. So the title is Second Attempt at Domesticating the Tomato. Domesticating the tomato. You know, many vegetables in the past they were wild flowers, wild plants and all that, and then we domesticated them. For example, buffalo. Buffalo is one animal and it has been domesticated. Even now you can see water buffaloes in the wild, in the forest. जंगल में आपको नज़र आती हैं जो कि एक जंगली जानवर है, तो उसको हमने डोमेस्टिकेट किया, ठीक है। अब इसी तरह से बहुत सारी सब्जियां हैं जो जंगलात में मिलती थी, तो उन्हें वहाँ से लेके आए, उसकी खेती बाड़ी की, काश्तकारी की। सो अ सेकेंड अटैम्प्ट एट डोमेस्टिकेटिंग द टोमेटो, कि टोमेटो को खाने पीने के लिए डोमेस्टिकेट किया जा सके, उसकी कोशिश के बारे में ये पूरा पैसेज है। कि टोमेटो पहले जंगलों में उगता था, एक जड़ी बूटी थी, एक फल था या जो भी था, उसके बाद इंसान ने उसके बीज लेके उसको किया। सो सेकेंड अटैम्प्ट एट डोमेस्टिकेटिंग द टोमेटो। डोमेस्टिकेट का मतलब है उसको अपने इस्तेमाल में लेके आना, राइट। अच्छा, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। और पैसेज पे देखें ABCD लिखा हुआ है। जब भी ABCD होगा या उसमें क्वेश्चन टाइप होगी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, या उसमें क्वेश्चन टाइप होगी विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और ये ABCD जो है ये आम तौर पे सेकंड पैसेज में आएगा, फर्स्ट पैसेज में नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। क्या देखते हैं ना। अच्छा, अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। अब ये आपके पास क्वेश्चंस हैं 14 से लेकर 26 तक, और ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को आपने फॉलो नहीं करना। आपने ये नहीं देखना कि मैं इसी ऑर्डर को फॉलो करता हूं, नहीं, आपने ये देखना है आपके लिए इजी कौन सा मेथड है। अगर आप 14 टू 18 स्टार्ट करते हैं, कितने क्वेश्चंस हैं? 5। ये 5 क्वेश्चंस आपका पूरे पैसेज का 5 दफा चक्कर लगवाएंगे, और ऐसा चक्कर लगवाएंगे कि एंड पे आप खुद घूम जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप पैसेज से फेमिलियर नहीं है। 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस बेस करते हैं स्कैनिंग पे। आप पूरे पैसेज में ढूंढेंगे कि ये वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, यानी आप समझे कि आप दरिया में सुई ढूंढ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इससे बेहतर है कि आप उसके बाद आए क्वेश्चन 19 to 23। अच्छा, 19 to 23 इसको हम कहते हैं मैचिंग। अब मैचिंग में क्वेश्चन और पैसेज तो ऑर्डर में नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना ABCD, ये ऑप्शंस जो हैं वो आपको ऑर्डर में मिलेंगे। यानी पैसेज में सबसे पहले वो बात करेंगे जॉर्ज कुडला की, उसके बाद कायक्सिया गाओ की बात करेंगे, फिर जॉयस की बात करेंगे। तो आपने इस ऑप्शन के साथ चलना है, क्वेश्चन के साथ नहीं चलना, आपने ऑप्शन के साथ चलना है। और लास्ट 3 क्वेश्चन हैं हमारे वन वर्ड ओनली। अब वन वर्ड ओनली बड़ा मासूम सा सवाल होता है, आपको लोकेशन अगर मिल जाए तो आप आसानी से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो बेहतर ये है, इसका ऑर्डर ये होना चाहिए 24 टू 26 पहले करें, उसके बाद करें 19 टू 23 और एंड पे आके करें 14 टू 18 जब आप पैसेज से वेल फेमिलियर हैं। ठीक हो गया, चलें स्टार्ट करते हैं 24 से। चूज वन वर्ड ओनली, और वर्ड कहाँ से चूज करना है? फ्रॉम द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 24, undesirable trait such as loss of। अब loss of का word underline करें, कल listening में भी आया था और loss की जगह पे उसने word use किया था loss, lose, loss of and lose। So undesirable trait as a loss of dash may be caused by mutation in a tomato gene। अब mutation in a tomato gene और loss का word देखें कहाँ पे दिया हुआ है। वापस जाएं passage में, just look for that tomato gene loss, genetic, okay। पैराग्राफ B जो है सेक्शन B के सेकेंड पैराग्राफ में आ जाए सब लोग। टाइटल पेज सेक्शन B सेकेंड पैराग्राफ, इसको मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। बट एवरी टाइम अ सिंगल प्लांट with a mutation is taken from a larger population for breeding, much genetic diversity is lost। आगे पढ़ते हैं। And sometimes the desirable mutations come with less desirable traits. For instance, the tomato strains grown for supermarkets have lost much of their flavor. Exactly. ठीक है, अब आंसर वो नहीं होगा, much genetic diversity is lost. Genetic diversity 2 words हैं, ठीक है। So have lost much of their flavor. आंसर क्या हो जाएगा? Flavor। अब समझ आ गया, loss of flavor, lost much of its फ्लेवर। सो आंसर इज फ्लेवर। और फ्लेवर को आप ब्रिटिश इंग्लिश में लिख लें या अमेरिकन में लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ब्रिटिश इंग्लिश में, तो मेरे ख्याल से जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऐसा ही कॉपी कर लें। हाँ, ये ऑर्डर में होंगे, ये वही है ना सेंटेंस कॉम्प्लीशन, अभी हमने पहले भी की है। क्वेश्चन नंबर 25, बाय मॉडिफाइंग वन जीन इन अ टोमेटो प्लांट रिसर्चर्स मेड द टोमेटो 3 times इट्स ओरिजिनल, 3 गुना। 3 times का वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसी से आगे पढ़ना है आपने। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पैराग्राफ सी, 3 times इंपॉर्टेंट है। यह Kulda's team made 6 changes altogether. For instance, they tripled. अब tripled का क्या मतलब है? 3 times. आगे क्या लिखा हुआ है? The size. आंसर क्या होगा? Size. Size होगा या the size होगा? Size होगा, क्योंकि the size 2 word बन जाएंगे। So 3 times its original size. और 3 times की जगह पे word आ गया ट्रिपल। अब ये 3 times और ट्रिपल ये आपको IELTS की लिस्निंग में भी मिल सकता है, ये आपको IELTS की रीडिंग में दोबारा भी मिल सकता है। ठीक हो गया, ये उनके टैक्टिक्स हैं। ठीक है, वो कैसे हो सकता है खुद सोचें। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे इट्स ओरिजिनल फ्रूट वेट, मतलब लॉजिकल नहीं बनेगा आंसर। ठीक है, टोमेटो 3 times इट्स ओरिजिनल, 3 times इट्स ओरिजिनल का क्या मतलब है? ट्रिपल द साइज ऑफ फ्रूट बाय एडिटिंग अ जीन, ट्रिपल द साइज ऑफ फ्रूट। अब जो एक्चुअल टोमेटोज थे छोटे छोटे थे, उन्होंने उसका जीन चेंज किया और उसको बड़ा कर दिया, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को, अच्छा चलें आगे चलते हैं। अ टाइप ऑफ टोमेटो विच वॉज नॉट बैडली अफेक्टेड बाय, अंडरलाइन करें नॉट बैडली अफेक्टेड। अब एक टमाटर की किस्म है जो किसी चीज से बैडली अफेक्ट नहीं हुआ। किस चीज से बैडली अफेक्ट नहीं हुआ? एंड वॉज रिच इन वाइटामिन सी, वाइटामिन सी का वर्ड ढूंढें, चाइना का वर्ड ढूंढें, वहां पे आपको ये आंसर मिलेगा, चाइना, वाइटामिन सी एंड ऑल दैट। वेरी गुड, यस, सी का 3rd पैराग्राफ, सेक्शन सी का 3rd पैराग्राफ और लास्ट लाइन, दे ऑल्सो क्रिएटेड अनदर स्ट्रेन दैट इज मोर सॉल्ट टॉलरेंट एंड हैज हायर लेवल्स ऑफ वाइटामिन सी। अब जरा फोकस करें, दैट इज मोर सॉल्ट टॉलरेंट। सॉल्ट टॉलरेंट का मतलब है नॉट बैडली अफेक्टेड बाय सॉल्ट। अब जरा गौर से सुने, टॉलरेंट की जगह पे वर्ड आ गया नॉट बैडली अफेक्टेड। ठीक है, ये रीडिंग है, ये समझना है। जिसको ये चीजें समझ आ गई वो 40 मिनट में रीडिंग करके ऐसे उठा के मारेगा, फिर वापस पकड़ लेगा, अभी पूरा नहीं हुआ। एग्जैक्टली लेकिन देखें उसका जो है ना, अगर आप वापस आए उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा। इसी पैराग्राफ की आप बात कर रही हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। टीम इन चाइना रीडोमेस्टिकेटेड सेवरल स्ट्रेन्स ऑफ वाइल्ड टोमेटोज विद डिजायरेबल ट्रेट्स लॉस्ट इन डोमेस्टिकेटेड टोमेटोज, इन दिस वे दे मैनेज टू क्रिएट अ स्ट्रेन, यही वाला ना, रेजिस्टेंट टू अ कॉमन डिसीज कॉल्ड बैक्टीरिया स्पॉट रेस, नो विच कैन डेविस्टेट, नो दिस इज डिफरेंट, मतलब ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग ढूंढ रहे हैं अ टाइप ऑफ टोमेटो और आगे वाइटामिन सी भी तो है ना, वो यहाँ पे नहीं है, इट्स डिफरेंट, ये मिलती हुई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये जो लोगों को लग रहा है ना इसका आंसर यहाँ पे भी है, ये बहुत बड़ा एक डिसीज़ है, इसका ख्याल रखना है। आप लोग ना गलत लोकेशन पे जाके आपको लगता है आंसर यहाँ पे है, आंसर आप ढूंढ भी लेंगे, लिख भी लेंगे, बट दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, राइट। थैंक यू।